हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। कौन सा रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तो रीजनिंग में बेटा हम पढ़ रहे थे क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। फर्स्ट क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने इस चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आपको फर्स्ट क्लास बेस क्लास है, उस क्लास को स्किप नहीं करना है। ये आपकी सेकेंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमने इसके कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले भी देखे थे, हाँ, और एक क्वेश्चन भी किया था। फिर से आपको रिपीट करा दे रहे हैं वो फॉर्मूले आपके क्या थे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आगे क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं। तो एक बार देख लेते हैं फॉर्मूले कौन से थे, फिर एक बार रिपीट करा दे रहे हैं आपको। चलिए, फॉर्मूले आपके क्या थे? पहला था आपका कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब्स, जिसकी कितनी सतह पेंटेड हो सकती थी ज्यादा से ज्यादा? आप बोलेंगे थ्री। इनकी वैल्यू कितनी होती थी? इनकी वैल्यू होती थी एट, करेक्ट। इसके बाद कौन सा था? मिडल क्यूब। हाँ, मिडल क्यूब, मिडल क्यूब। इसकी कितनी सरफेस पेंट हो सकती थी? बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट भी समझा था और प्रूफ भी देखा था, और देखा ये भी था कि कितनी सरफेस इसकी पेंट हो सकती है। और ये एजेस से निकलते हैं ना, और एजेस आपके कितने होते हैं? 12, करेक्ट। इसकी टू सरफेस पेंट हो सकती है। फॉर्मूला क्या था? 12। 12 क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसकी एजेस जो होती हैं, एज कितनी होती है? 12। बताया था ना बहुत अच्छे तरीके से। देखिए फिर से आपको रिपीट करा दे रहे हैं एज कैसे काउंट करते हैं। हाँ, एज कैसे काउंट करते हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4, करेक्ट। 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गई। इसके बाद 9, 10, 11 एंड 12 अज्यूम कर पा रहे होंगे। अब यहां से आप कोने भी आप देख लीजिए। हाँ, कोने, कॉर्नर क्यूब, देखिए 1 आगे पर, पहले आगे वाली सतह का देखिए। हाँ, सरफेस कितनी होती है? 6, करेक्ट। पहले देखते हैं कॉर्नर क्यूब। ये देखिए सरफेस, आगे वाली सरफेस पे आइए, और इसमें आपको कितनी एजेस दिख रही हैं? आगे वाले में आप देखिए ढंग से, देखिए आपको 4 एजेस दिख रही है ना। इसको बोलते हैं क्या? इसको एज बोलते हैं। बहुत बेहतरीन। हाँ, इसमें देखिए कॉर्नर, सबसे पहले आगे जो आपको फ्रंट में सरफेस दिख रही है सतह, इसमें देखिए आपको कॉर्नर क्यूब कितने आपको दिख रहे हैं। तो इस वाली सरफेस पे आइए, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, सी से कर ना, कोने से निकाले गए कॉर्नर क्यूब। और ये इनकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है, कितनी होती है? 8। 4 आपने आगे देख लिए, अच्छा 4 सिमिलरली पीछे भी तो होंगे ना, 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पे आप सीन भी कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इसीलिए कह रहे हैं फर्स्ट क्लास आपको स्किप नहीं करनी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बहुत बेहतरीन तरीके से, 12 × n − 2, 12 × n − 2। और ये भी बताया था कि n माइनस टू ही क्यों करते हैं, इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं थर्ड अपना फॉर्मूला क्या था। कॉर्नर देख लिया, मिडल देख लिया, इसके बाद अपना थर्ड था सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब। हाँ, दीज आर ओनली वन सरफेस पेंटेड। हाँ चलिए, इसकी ज्यादा ज्यादा एक सतह पेंटेड हो सकती है। फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला था इसका 6 × 6 × n − 2 का होल स्क्वायर, 6 × n − 2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए एक और बच रहा है, वो कौन सा? आपका इनर सेंट्रल। हाँ, इनर सेंट्रल क्यूब जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था ना, जब आपके ये सॉलिड क्यूब है, ठोस घन, इसके बाहर सॉलिड है ना, तो आपने किसी भी कलर से इसको पेंट किया तो बाहरी सतह पर तो हुआ पेंट, और सरफेस आपकी होती है 6। इसके बाद जब इसको आप छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे ना, इसके बाद जो अंदर से जो कुछ ऐसे घन होंगे जो आपके कलरलेस होंगे ना, रंगहीन घन। हाँ, इनर सेंट्रल जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाता था अपना क्या? n − 2 का होल क्यूब। बहुत बढ़िया, इनर इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन। हाँ,
सरफेस एक भी इसकी पेंटेड नहीं होती थी क्योंकि ये अंदर से निकला होता था ना। चलिए तो जीरो, इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला आपका डायरेक्ट होता है क्या, क्योंकि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है एन माइनस टू का होल क्यूब, एन माइनस टू का होल क्यूब। इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट से भी समझा था। चलिए और आपका थोड़ा सा एक कंसेप्ट रह रहा, उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से आप देखिए, क्योंकि देखिए आप किसी भी फॉर्मूले में देखेंगे तो n का जिक्र किया गया है। हाँ, n का जिक्र किया गया है तो n बहुत इसमें रोल देगा, तो n क्या होगा देखिए उसको ही देखने जा रहे हैं। तो जो आपका n है ना, n n इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ इससे पहले आपको ये बता दें कि एजेस देख लिया ना, बहुत बढ़िया, और ये कॉर्नर क्यूब देख लिए, जो कि कॉर्नर क्यूब की वैल्यू हमेशा आपकी फिक्स होगी, कितनी होती है 8। इसके बाद ये आपने फॉर्मूले देखे, और जब आपको पहले पढ़ कौन सा पढ़ रहे हैं क्यूब, इसके बाद अलग से पढ़ेंगे क्यूबॉइड, दोनों को कंपाइल करके नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया गया है। तो किसी बच्चे को ये डाउट ना हो कि क्यूब ही क्यूब पढ़ रहे हैं, पर चैप्टर का नाम लिखा था क्यूब और क्यूबॉइड, तो पहले क्यूब पढ़ेंगे इसके बाद आपका क्यूबॉइड, पहले घन इसके बाद घन। आप चलिए तो यहां से अपने एन का जिक्र किया गया, तो एन क्या होता था, एन इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। हाँ, मतलब क्या, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। फॉर्मूला बार बार रिपीट नहीं कराएंगे, बस आपको एक बार फिर से लिखा दे रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्यूब, हाँ, जो कि एन क्यूब के फॉर्म में होते थे ना, टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो कि एन क्यूब के फॉर्म में होते थे ना, एन क्यूब के फॉर्म में, चलिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो कि एन क्यूब के फॉर्म में होते थे, बहुत अच्छे तरीके से देखा था, बहुत बढ़िया। ये आपका बेसिक था, इसके बाद फॉर्मूले भी आपने देख लिए थे, और एक क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमने किया था, वो क्वेश्चन कौन था, और टाइप वन चल रहा है आपका, टाइप वन क्वेश्चन वन किया था, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए कौन सा था, यहाँ पे है ना अपना, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या दिया गया था आपसे, हाँ, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब आपसे पूछा क्या गया है, तब बनने वाले कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, मतलब कि जो आपका बिगर क्यूब लेंथ है ना, बिगर आपका जो बड़ा घन है, हाँ, कितने सेंटीमीटर का है, आप बोलेंगे 15 सेंटीमीटर का, आप 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड। चलिए तो n इज इक्वल टू क्या होता है, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ की वैल्यू क्या दी गई है, 15 सेंटीमीटर, हाँ 15 सेंटीमीटर अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ कितना है, जब आप इसको छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे 3 सेंटीमीटर, तो यहां से आपकी n की वैल्यू क्या निकल आएगी, n की वैल्यू आपकी निकल आएगी 5। हाँ, अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, हाँ, अब आपने जो पार्ट कट किए हैं छोटे छोटे पार्ट, हाँ, उनकी संख्या आपसे पूछी गई है, तो क्या n क्यूब के फॉर्म में होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ क्यूब मतलब n क्यूब के फॉर्म में, तो 5 का आपको करना है क्यूब, और 5 का क्यूब आपका क्या होता है, 125, 125, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर क्लास में इसको फाइनल कर भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, हाँ, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल, इसके बाद इसकी कंडीशन दी गई है नेक्स्ट पेज पे, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बेस में अपना आंसर दे पाएंगे कौन करेक्ट कौन आपका रॉन्ग है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप जान चुके हैं सॉल्व करने का। चलिए, 12 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 2 सेंटीमीटर, हाँ,
एन इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ की वैल्यू है आपकी 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर, अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ छोटे घन की भुजा, वो आपको कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से आपकी n की वैल्यू फाइंड करिए तो क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। जब आपकी n की वैल्यू, जब तक आप n की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक आप केवल और केवल कॉर्नर क्यूब का आंसर दे पाएंगे, इसके बाद आप किसी भी कंडीशन का आंसर दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने देखा हर एक फॉर्मूले में आपको n की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद आपने n की वैल्यू जब फाइंड कर दी तब कंडीशन देखते हैं आपसे क्या क्या पूछी गई है। पहले कंडीशन है 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, और 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या आपकी फिक्स होती है, आपको इसमें उलझना नहीं, डायरेक्ट आंसर आपको देना है 8। कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं आपके 8, ना ही कम ना ही ज्यादा, फिक्स वैल्यू होती है इसकी 8। चलिए सेकंड कंडीशन देखिए क्या दिया गया है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेस पेंटेड, मतलब 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। फॉर्मूला क्या होता था, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या का फॉर्मूला होता था, बताइए 2 सतह रंगे हुए फॉर्मूला होता था 12 into n-2। करेक्ट, यहां पे आप n की वैल्यू रखिए, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपने n की वैल्यू निकाली, कितनी आपके 6, n की वैल्यू रखिए वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए n की वैल्यू जब आप यहाँ पे 6 रखेंगे, हाँ जब यहाँ पे आप 6 रखेंगे, ये 2 लिखने का मतलब 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। करेक्ट, दिक्कत इसको समझने में नहीं होगी अगर आप फर्स्ट क्लास देखेंगे, और फर्स्ट क्लास देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 12 n की वैल्यू आप जब यहाँ पे 6 रखेंगे, चलो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको सॉल्व कराते, एक भी स्टेप आपकी स्किप नहीं करेंगे, -2 करेक्ट, 12 6 में से जब आप 12 लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 48 करेक्ट, कितना आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है कंडीशन नंबर सेकंड का। चलिए इसके बाद थर्ड देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, हा हाउ मैनी क्यूब्स है 1 सरफेस पेंटेड ओनली, करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली शब्द यूज किया गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 सरफेस का, तो 1 सरफेस पेंटेड फॉर्मूला होता है 6 into n-2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। चलिए फॉर्मूले देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे, हाँ चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 6n-2, n की वैल्यू आपकी 6 minus 2 का होल स्क्वायर, यहां से आप जब वैल्यू फाइंड करेंगे, चलो एक बार और सॉल्व कर ले, तो यहां आ जाएगा 4, हाँ 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16, करेक्ट, 4 का स्क्वायर 16। चलिए लिख देते हैं वरना कहेंगे क्या हो, देखो यहां से हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर करना पड़ा है तब आपका आया यहाँ पे 16, तो ये आपको फाइनल आ जाएगा आपका 96, करेक्ट 96, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। हाँ फोर्थ कंडीशन देखिए आपसे क्या पूछी गई है, हाँ देखिए आप कितनी एजी से सबके आंसर दे पा रहे हैं, ऐसा लग रहा था ना, बहुत ही लग रहा था हेक्टिक था, कितने बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी है कैसे सॉल्व करेंगे, पर ऐसा नहीं, आपने अगर शिद्दत से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके बहुत ही इजीली हो जाएंगे। चलिए ऐसे, हाँ इसमें क्या था, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन होगे, कलरलेस क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, हाँ चलिए हाउ मैनी क्यूब्स हैव नो सरफेस पेंटेड, इसका फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता था, हाँ जीरो सरफेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था जीरो के लिए n-2 का होल क्यूब, n की वैल्यू है आपकी 6-2, करेक्ट 6-2 का क्यूब, अब यहां से आपका 4 को करना है क्यूब, करेक्ट 4 का करना है आपको क्यूब, तो कितना आ जाएगा आपका 64, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट है। यहां से आपका क्या आया, जीरो, कलरलेस वैल्यू, रंगहीन घनों की संख्या जब आपने सॉल्व किया तो आया आपका 64, बहुत बेहतरीन। लास्ट और बचा ये भी देख लो आपसे क्या कहना चाह रहा है, फिफ्थ नंबर आपसे कहना चाह रहा है, बनने वाले कुल घनों की संख्या, हाँ टोटल नंबर ऑफ क्यूब, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, एन क्यूब के फॉर्म में, ना एन क्यूब के फॉर्म में, तो यहां से एन क्यूब, एन क्यूब मतलब एन क्यूब, हाँ
एन क्यूब के फॉर्म में, एक्स और सिक्स की वैल्यू, हाँ एन की वैल्यू आपकी क्या निकली है, सिक्स, ये निकली थी ना, देखो भाई सिक्स, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते ना टोटल नंबर के लिए, टोटल जो कि आप जानते हैं एन क्यूब के फॉर्म में होते हैं, है ना, तो सिक्स का आपको करना है क्यूब, बात समझ पाए, सिक्स का करना है क्यूब, तो कितना आ जाएगा 216, ये आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ क्यूब, कितने 216। अब आपको देखो टोटल आपके घन कितने हैं, जब आपने बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट किया, जब आप कटिंग वाले जो पार्ट है ना, कटिंग पार्ट, उस टोटल कितने आपके 216, करेक्ट, देखिए टोटल है आपके 216, इसमें से आपने अब कुछ ऐसे घन चूज कर लिए, निकाल लिए, फाइंड किए जो कि वन सरफेस पेंटेड है, कुछ ऐसे घन है जो टू सरफेस पेंटेड है, कुछ ऐसे घन है जो थ्री सरफेस पेंटेड है, कुछ ऐसे घन है जो कि कलरलेस है, जीरो लिखने का मीन क्या हुआ, कलरलेस, हाँ, और आपने मतलब इस बड़े घन को जब छोटे घन में कट किया, अब आपने फाइंड किया कि क्या, अब आपके सामने समझो बिखरे हुए पड़े हैं, अब आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वन सरफेस वाले कितने हैं, टू सरफेस पेंटेड कितने हैं, थ्री सरफेस पेंटेड कितने हैं, और वॉल्यूम इनर सेंटर वाले, हाँ, कलरलेस की वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू आप अलग अलग आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहां से, देखिए वन सरफेस पेंटेड कितनी है, देखो टू सरफेस पेंटेड के लिए 48, वन सरफेस 96, वन सरफेस का 96, ये आपका 48, थ्री का आपका पता ही 8 फिक्स होता है, और जीरो के लिए आपने कितना निकाला, जीरो के लिए आपने निकाला ये 64, यहां से 64, और डेफिनेटली जब आप इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे, जब आप इस सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो टोटल आपके निकलेंगे 216। मजा आई ना करके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपसे क्या वो कहना चाह रहा है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। अब आप देखिए यहाँ पे आप तो जानते हैं n की वैल्यू पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे आपको क्या डिफाइन कर दिया, पहले ही बता दिया जो कटे हुए पार्ट है उसकी वैल्यू दे दी गई आपको कितनी, 27। और आप जानते हैं ये एन क्यूब के फॉर्म में होता है, एन क्यूब के, तो एन क्यूब के फॉर्म में होता है तो आपको इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है, आपको छोटे छोटे पार्ट जो है 27, तो आपको भी पता है इसका थ्री का क्यूब है ना, तो ये आप दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो एन की वैल्यू आपके यहां से क्या निकलेगी, एन की वैल्यू आपकी निकलेगी थ्री। एन की वैल्यू जब आपकी निकल आई, इसके बाद आपसे कोई भी कंडीशन पूछ दे, आप आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। अब आपसे कंडीशन पूछा क्या गया, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या पूछी गई आपसे, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। और वन सरफेस पेंटेड के लिए फार्मूला आपका क्या होता था, चलिए वन सरफेस ऐसे लिख लो ना, क्लूवर्ड, वन सरफेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला आपका होता है 6 × n − 2 का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व, जब इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आप पॉजिटिव रखिए, n की वैल्यू क्या है आप 3, 3 में से जब आप 2 लेस करेंगे, चलिए 3 में से जब आप 2 लेस करेंगे तो बचेगा 1 का स्क्वायर 1, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, आपकी वैल्यू आ जाएगी 6, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट आपका देखिए फोर नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाँ ये आपका अगर लैंग्वेज समझ गए तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं क्या है? एक घन की सभी सतह रंगी की, हाँ कलर किया गया की जाती है, यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष 1/4 1/4 मूल घन के
मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। करेक्ट। जैसे कि आप देखिए, ऑल सरफेस ऑफ क्यूब आर कलर्ड इफ आर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब आर टेकन आउट फ्रॉम इट ईच साइड, हाँ ईच साइड वन अपॉन फोर द साइज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब्स साइड। चलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम बता रहे हैं। देखिए क्या, आपसे फिर से लाइन पढ़िए। यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष एक बटा चार मूल घन के पक्ष के आकार का होता है, तो क्या होगा इसका बताइए। हाँ, यहाँ पे आपको दिया गया छोटे घन की जो भुजा है आपकी, हाँ छोटे घन की भुजा, अब करते हैं इसको सॉल्व। कंडीशन देखिए, आपसे समझ नहीं पा रहे तो यहां देखिए, यहां से आपसे पूछ रहा है छोटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा इज इक्वल टू हाँ चलिए, आपसे कहना चाह रहा है छोटे घन की भुजा इज इक्वल टू वन अपॉन फोर है किसके, बड़े घन की भुजा के। कंडीशन समझ पाए ना, छोटे घन की भुजा इज इक्वल टू, छोटे घन की भुजा इज इक्वल टू एक बटा चार, एक बटा चार इंटू बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। अब आप यहां से n की वैल्यू बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हाँ चलिए, और ये फार्मूला होता क्या है, n इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। हाँ, n इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ l1 अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ l2। करेक्ट, बात समझ पा रहे हैं। चलिए तो यहां से आपका कंडीशन क्या बनेगी, यहां से आपकी कंडीशन बनेगी इज इक्वल टू l अपॉन, हाँ l अपॉन वन अपॉन, हाँ यहां से l अपॉन फोर, वन क्या एल। देखिए यहां से अब आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा इज इक्वल टू फोर, क्योंकि आप देखिए ये आपका फोर जो है, हाँ वन अपॉन फोर मतलब कि क्या, ये है आपके बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजा इज इक्वल टू वन अपॉन फोर इंटू बड़े घन की भुजा का फॉर्मूला आपका होता है एन इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। हाँ, यहां से आप n की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा l अपॉन, हाँ इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4, तो मतलब l अपॉन 4, आपको भी पता है जो आपका 4 है वो ओवरलैप कर जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा और l से l आपका कट जाएगा, l से l आपका कट जाएगा, तो यहां से n की वैल्यू आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आएगी इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू आपकी निकल आएगी इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक से दो बार क्वेश्चन रिपीट कर लेना आ जाएगा। इसके बाद देखिए कंडीशन आपसे पूछा, कैसे पूछना चाह रहा है ये, केवल एक तरफ रंगे हाँ रंग किए गए घनों की संख्या, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला आपका क्या होता था, ओनली वन साइड पेंटेड क्या होता था फॉर्मूला, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या का फॉर्मूला होता था वन इज इक्वल टू, वन लिखने का मतलब एक सतह, हाँ देयर आर ओनली वन सरफेस पेंटेड इज इक्वल टू सिक्स इंटू एन माइनस सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहां से आपकी n की वैल्यू तो आप निकाल लिए, कितने निकली आपकी 4 माइनस टू का होल स्क्वायर, तो यहां से देखिए 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर आज आपका हो जाएगा 4, हाँ क्योंकि आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर भी तो करना है, ये भी तो देखिए ना स्क्वायर करना हो जाएगा आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24, जो कि आपका हो जाए करेक्ट आंसर, आंसर नंबर आपका सी जो कि राइट है। एक से दो बार क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यहां पे ये लाइन समझने की थी यहां पे, हाँ कहां पे, स्मॉलर क्यूब्स आर टेकन आउट फ्रॉम इट ईच साइड वन अपॉन फोर, हाँ किसके, द साइड ऑफ द ओरिजिनल क्यूब्स साइड इंडिकेटेड, ये था ना यहां पे, यदि इसमें से कई छोटे इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष एक बटा चार है मूल घन के पक्ष के आकार का, मूल घन के पक्ष के आकार का। यहां से हमने n की वैल्यू कैसे फाइंड की, n इज इक्वल टू होता है बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ,
तो यहाँ से आपने क्या एल अपॉन एल बाई फोर, तो आपका यहाँ से फोर कर जाएगा ऊपर ओवरलैप, एल से एल आपका हो जाएगा कट, एन की वैल्यू आपकी निकली फोर। आपसे कंडीशन पूछा गया था एक शतरंग के घनों की संख्या, फॉर्मूला आपका क्या होता था, सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको बहुत ही आसान वे में निकाल लिया 24, जो कि आपका सी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछना चाह रहा है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए हाँ प्यार भरी नजरों से देखिए, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। एक घन, हाँ यहां से पढ़िए, यहां से आप पढ़िए, एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती हैं। आपका मन हो तो किसी इसको रेड कर देना, हाँ बाउंडेशन तो कोई है नहीं, चलिए। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती हैं और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है, तो आपसे एक कंडीशन पूछी गई है, डायरेक्शन अ क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेस, ऑल जिसकी सरफेस है सभी किसने ब्लू कलर से पेंट कर, एंड इज देन कट इंटू 125 क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब में इसको कट किया जाता है। चलिए इसको करते हैं ना सॉल्व। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती हैं और फिर इसे 125 बराबर आकर छोटे घनों में काटा जाता है, कट किया जाता है, उसकी वैल्यू दी गई, तो वो आपका एन क्यूब के फॉर्म में होता है ना, एन क्यूब के फॉर्म में, बहुत बेहतरीन। इसकी वैल्यू कितनी गई, 125, हाँ 125, बात समझ पाए। चलिए तो यहां से आपकी एन, हाँ एन क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलेंगे जो कि इसका क्यूब 5 का क्यूब होता है, हाँ 5 का क्यूब, ये आप दोनों बैलेंस हो जाएंगी तो n की वैल्यू यहां से आपकी कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 5, जो कि आपका करेक्ट है। इसके बाद आपसे जो कंडीशन पूछी गई आप बता सकते हैं और बहुत ही स्पीड में। चलिए फर्स्ट कंडीशन आपसे पूछी गई है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया होगा, हाँ How many cubes are not painted on any face? Colorless cube की जिक्र किया गया है। फॉर्मूला क्या होता था कलरलेस का, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए जीरो जीरो लिखने का मीन हुआ कलरलेस। इसका फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम से को रिप्रेजेंट करता है, अंदर से निकल के आता है, बार बार आपको रिप्रेजेंट फिर से रिकॉल करा रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता था n माइनस टू का होल क्यूब, n माइनस टू का होल क्यूब। आज के दिन आपने n की वैल्यू निकाल ली है तो क्या यहाँ पे रख के आप सटीक आंसर नहीं चूज कर पाएंगे, कर सकते हैं ना। चलिए इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 5, हाँ 5 माइनस टू इसका करना है आपको क्यूब, तो यहां से बचेगा आपका 3, हाँ 3 का करना है क्यूब और 3 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा 27, हाँ चलिए यहां से आपका आ जाएगा 27, जो कि आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट कंडीशन का, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट है। सेकंड कंडीशन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, 3 का क्यूब करना है, क्यूब करना मत भूल जाना, जो आप 3 दे दो आंसर यहां पे, हालांकि मैच भी नहीं कर रहा है। चलिए देखना एक एक स्टेप पर आपको ध्यान देना है, वरना हाँ आप समझ सकते हैं छोटी छोटी कंडीशन आपके नंबर गिरा सकती है। चलिए सेकंड कंडीशन देखिए आपसे क्या पूछ रही है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल केवल ओनली शब्द का यूज हो रहा है ना, केवल केवल एक सतह को रंगा गया है। हाउ मैनी क्यूब्स आर पेंटेड वन, हाँ ऑन वन फेस ओनली, फॉर्मूला क्या होता था, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या का फॉर्मूला होता था 1 इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व। चलिए 6 आप एज इट इज रखिए, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू आपकी 5, 5 में से जब आप 2 लेस करेंगे तो आपका बचेगा 3, 3 का करना है आपको स्क्वायर, 6 आप एज इट रखिए इनटू 3 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका हो जाएगा 9, हाँ ये आपका आ जाएगा 54, ऑप्शन नंबर आपका डी जो कि आपका करेक्ट है। समझ पाए कैसे सॉल्व किया, इसका फॉर्मूला होता है वन सरफेस, दीज आर ओनली वन सरफेस का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। चलिए यहां से आपने 6 एडजेक्टिव रखा, 5 एन की वैल्यू जब रखी होती, आपकी एन की वैल्यू कितनी निकली थी 5, 5 में से 2 लेस किया आपका आया 3,
करेक्ट, इसका करना स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। जब आप फाइनल इसको इनटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 54, हाँ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देखिए 6 नंबर, ये भी क्या कहना चाह रहा है, चलिए आराम से एक बार, हाँ बिल्कुल धीमी गति में आप क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद करते हैं इसको सॉल्व। एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग किया जाता है, हाँ बेचारा था व्हाइट, उसको बना दिया गया ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों का कर दिया गया मिक्सचर। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होंगी, हाँ काले रंग से रंगी होंगी। अ क्यूब ऑफ व्हाइट मैटर हाँ इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल, चलिए देखते हैं ना, देखो एक हाँ हाँ इफ इट इज कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब, ये आपको क्या दिया गया एन क्यूब के फॉर्म में होता है ना, तो एन क्यूब की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करा दी गई, गिवन है कितनी 125, 125 जो कि आप जानते हैं, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। इसके बाद आपसे पूछना क्या जा रहा है क्वेश्चन, तब आपसे पूछना चाह रहा है ये तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होंगी, तो कितने घनों की दो सतह काले रंग से रंगी हुई होंगी, मीन समझ पाए, दो सतह दीज आर ओनली टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला आपका क्या होता था, तो आपका फॉर्मूला होता था दो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला आपका होता था 12 इंटू एन माइनस 12 इंटू एन माइनस 2। चलिए इसको करते हैं सॉल्व, n की वैल्यू आपने फाइंड कर ही ली है, जब n की वैल्यू रख देंगे तो आपका क्लियर कट आंसर आ जाएगा 12 एज इट इज, रखिए n की वैल्यू कितनी है आपकी 5 माइनस 2 12 एज इट इज, 5 में से 2 लेस करेंगे आपका आ जाएगा 3। यहां से आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 36 आंसर करेक्ट, जो कि आपका इसमें है ही नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ये भी अपने आप में एक आंसर का रोल निभाता है करेक्ट, कभी कभी आपका हाँ इनमें से कोई नहीं वाला भी राइट होता है, हाँ तो इसको भी ध्यान में देना है, ऐसा नहीं, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए फिर उसके बाद अपने ऊपर आप डाउट मत करिए, आपने तो बिल्कुल सही किया ना, चलिए आंसर मैच नहीं हुआ तो आंसर कौन सा, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है, मैच ही नहीं कर रहा है, जब मैच नहीं कर रहा है तो वही वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देखिए 7 नंबर, क्या एक घन की सभी सतहों को पीले रंग हाँ पीला रंग किया जाता है, येलो बना दिया गया, चलिए और 27 बराबर घनों में काटा जाता है, हाँ 27 अ क्यूब पेंटेड येलो ऑन ऑल सरफेस इज कट इंटू 27 कट किया था छोटे स्मॉलर हाँ स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज बराबर आकार से कट किया इसको। इसके बाद आंसर द क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग आपको देखिए कंडीशन दी गई है, सबसे पहले आपको फर्ज बनता है ना कि भाई n की वैल्यू को पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो आप कंडीशन को सेटिस्फाई करा पाएंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इसमें ऑप्शन राइट है। चलिए देखिए एक घन की सभी सतहों को पीला रंग किया जाता है, आप हटा के कुछ और कर देना, चलिए पीला रंग किया जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है, जो कि आपको पता है एन क्यूब के फॉर्म में होता है, हाँ एन क्यूब के फॉर्म में, तो एन क्यूब के फॉर्म में आपकी वैल्यू कितनी है 27 जो कि आपको गिवन है करेक्ट, तो एन की वैल्यू यहां से आपको कितनी निकल आएगी 3। अब जब एन की वैल्यू निकल आए तो आप किसी भी कंडीशन का आंसर दे सकते हैं राइट। चलिए पहला कंडीशन आपसे क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, कितने घनों की केवल एक हाँ ओनली केवल एक सतह को रंगा गया है, फॉर्मूला क्या होता था, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला आपका होता था
सिक्स इंटू एन माइनस टू। किसी बच्चे को अगर फार्मूला याद नहीं हो रहा ना तो क्वेश्चन करते करते इतने बार ये रिपीट हो जाएंगे कि ना चाहते भी उसको सिनेरियो ये छप जाएगा और फार्मूले हो जाएंगे याद। चलिए, वन सरफेस पेंटेड का फार्मूला होता था सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। चलिए यहां से निकालते हैं अपना आंसर। देखिए सिक्स, एन की वैल्यू कितनी है थ्री, थ्री में से टू गया कितना बचा वन, तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पे सिक्स, जो कि आंसर नंबर आपका बी करेक्ट है, करेक्ट। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं, उसको भी तो करना पड़ेगा ना सॉल्व। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मैनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड हाँ ऑन एनी फेस, कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता, कलरलेस की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो होते हैं वो जीरो। और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस टू, एन माइनस टू का होल क्यूब, होल क्यूब। चलिए एन माइनस टू का होल क्यूब, एन की वैल्यू कितनी है आपकी थ्री, थ्री माइनस टू करना है आपका क्यूब, यहां से आपका आएगा वन, वन का क्यूब कितना होता है थ्री, नहीं वन का क्यूब, वन का स्क्वायर करो या वन का क्यूब करो वो तो अपने आप में वन ही रहेगा ना। चलिए क्या आ जाएगा आपका वन। कलरलेस का आंसर कौन सा इसमें राइट है आप बोलेंगे, आंसर नंबर ए है ना। चलिए देखिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एट नंबर देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। हाँ एट नंबर आपसे क्या कहना चाह रहा है, एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है, हाँ लाल रंग से रंगी गई है, इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है, देखिए अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल सरफेस, ऑन ऑल सरफेस इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड, ये देखिए आपके जो स्टेटमेंट कुछ दी गई है नेक्स्ट पेज में, इनके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कौन सा इसका राइट है कौन सा रॉन्ग है। पहले करते हैं सॉल्व, एन की वैल्यू तो पहले फाइंड करनी पड़ेगी ना भाई। चलिए तो यहां से एन की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, पढ़िए ना, अ क्यूब इज कलर्ड हा, एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है, इस घन को हा 64 समान भागों में काटा जाता है, मतलब एन क्यूब की वैल्यू आपको यहां से गिवन है जो कि कितनी है 64, तो यहां से आपका n की वैल्यू कितनी निकलेगी, आपको भी इसकी वैल्यू गिवन है ना, तो इसकी n की वैल्यू आपकी निकली देखो ऐसे कितना 4 का क्यूब हाँ, तो यहां से आपको ये बैलेंस हो जाएगा तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहां से n की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी n इज इक्वल टू 4। समझ पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कंडीशन आपको क्या पूछी गई है, एन की वैल्यू जब फाइंड कर ली आप निकाल सकते हैं ना। चलिए फोर आपकी आई है, एन की वैल्यू यहां से क्या आई है यहां पे लिख लेते हैं ना, एन इज इक्वल टू 4 आपको जो कि फाइंड कर लिया आपने। चलिए पहले कंडीशन क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ऑन फेस हाँ कलर्ड, मतलब क्या कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है, और नहीं यहां पे नो है नो, चलिए नो, कलरलेस की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। पहले कंडीशन को करते हैं सॉल्व, कलरलेस मतलब क्या कहने का मीन हुआ जीरो हाँ जीरो, क्लियर कट यहीं पे इसको करते हैं सॉल्व। वैल्यू क्या होती, फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है एन माइनस टू का क्यूब, एन माइनस टू का क्यूब, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, एन की वैल्यू जब आपने निकाल ही ली है कितनी निकली है आपकी फोर, एन की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे फोर, फोर माइनस का टू कितना आया यहाँ पे आपका टू, टू का करना है आपको क्यूब और टू का क्यूब होता है आपका एट हाँ, टू का क्यूब कितना हो जाएगा आपका एट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखी गई है आपकी, पहली तो कर ली हमने सॉल्व, सेकंड देखते हैं आपसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर दिस देयर विच हैव ओनली हाँ ओनली वन फेस कलर्ड, कितने घन की केवल एक सतह को रंगा गया है, फॉर्मूला पहले तो लिखिए आप, हम कह नहीं रहे हैं इतनी बार आपके फॉर्मूला रिपीट हो जाएंगे कि आपको ना चाहते भी हुए भी याद हो जाएंगे। इसको करते हैं सेकंड स्टेटमेंट अपनी करते हैं सॉल्व,
हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन फेस, हाँ तो वन सतह, दे आर ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता था, 6 × 6 × n-2 का होल स्क्वायर। चलिए यहां से इसकी करते हैं वैल्यू को फाइंड। देखिए 6 आप एजिटी रखिए, n की वैल्यू कितनी है आपके, n की वैल्यू है 4, 4 में से 2 गया तो बचा आपका 2, और 2 का करना है आपको स्क्वायर, जो कि यहां से हो जाएगा 6 × 6 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से आपकी वैल्यू निकलेगी 24, हाँ 24। चलिए कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका डी जो कि करेक्ट है। सेकंड देखते हैं कंडीशन क्या है आपकी, पढ़िए सेकंड कंडीशन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू रेड अपोजिट सरफेस। यहां पे आपको अगर किसी ने ये आंसर दिया ऐसे इसको सॉल्व किया है तो वो है रॉन्ग। देखो बता देते हैं, अगर आपने इस कंडीशन में इसको सॉल्व किया है, कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है, हाँ अगर आपने टू सरफेस का फॉर्मूला यहां पे लगाया है, ये वाला अगर 12 × 12 × n-2 करेक्ट, तो यहां से आपने बहुत ही हंसते खेलते प्यार भरी नजरों से आंसर क्या निकाला आपने, हाँ 4 में से 2 गया आपका बचा 2। अगर आपने यहां पे 24 निकाला है तो आपका 100% रॉन्ग है, हाँ 100% रॉन्ग है, क्योंकि आपने उसके जज्बात को समझा ही नहीं और अपने ही राह पे चलते चलते आपने दे दिया गलत आंसर। हाँ चलिए अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपका हो जाएगा पार्ट रॉन्ग, तो ऐसे करना इसको नहीं है, हाँ ऐसे नहीं करना इसको। देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मैनी क्यूब्स हैव टू रेड अपोजिट सरफेस, और आपका घन क्या होता है, आप बोले घन मेरा होता है सॉलिड, ठोस घन होता है, हाँ उसको आप कलर करिए, इमेजिन करना आप, एक्सपेरिमेंट करना घर पे, करेक्ट क्लियर कट हो जाएगा क्या आएगा, ठीक है क्यूब लीजिए उसको आप किसी भी कलर से हाँ पेंट कर दीजिए, आपको होता है ठोस सॉलिड घन, जब उसको आप छोटे छोटे पार्ट में जब कट करेंगे ना, हाँ तो ज्यादा मैक्सिमम सरफेस कितनी आपकी पेंटेड हो सकती है, 2, इसके बाद 3 मैक्सिमम सरफेस कितनी पेंट हो जाती है, जो कि कॉर्नर क्यूब होते हैं 8, 3 सरफेस, इससे ज्यादा पेंटेड नहीं हो सकती है क्यूब में, क्यूबॉइड में होंगी वो आगे चल के आपको बताएंगे, पर क्यूब में मैक्सिमम सरफेस आपकी 3 ही पेंट हो सकती है, करेक्ट। तो आपसे यहां से पूछ गया विपरीत सतह, तो जब आप किसी भी ठोस घन को हाँ सॉलिड क्यूब पे जब आप कट करेंगे तो कोई भी सतह ऐसी नहीं होगी कि विपरीत सतह आपकी पेंटेड हो, हाँ कोई भी विपरीत सतह इसकी पेंटेड नहीं होगी, तो आंसर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 0, हाँ 0, जो कि इसको कर लेते हैं स्टार का ऑप्शन, हाँ ये आपका सिंगल स्टार ऑप्शन बन जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना है, बता भी दिया है इरेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा दिखे भी तो क्यों गलत है ये, हाँ यहाँ पे आपको देखना है हाउ टू रेड अपोजिट सरफेस, हाँ, और किसी भी घन की अपोजिट सरफेस पेंटेड नहीं होती है। चलो 4 नंबर देखिए कंडीशन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेस कलर्ड, कितने घन की 3 सतहों को रंगा गया है, कॉर्नर क्यूब की यहां पे जिक्र किया जा रहा है, कितने होते हैं 8, यहां पे तो आपको 8 ही लगा देना, कितना ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट है, इस ऑप्शन में बहुत ही बढ़िया दम थी, थोड़ा सिंगल स्टार आपका बन जाता है स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, 9 नंबर आपसे कहना चाह रहा है हाँ एक घन की, हाँ एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनके कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो, यहां से आपका टाइप हो जाता है नेक्स्ट शुरू। इसको यहां पे होना चाहिए, हाँ ये 9 नंबर करना है ना, टाइप 2 यहां पे इसको ले जाइए सर यहां पे, चलिए यहां से आपका टाइप सेकंड शुरू होता है, स्लाइड नीचे थी, चलिए सेकंड आपसे कंडीशन किस बेस में क्वेश्चन आएंगे, चलिए टाइप आपका यहां से कौन सा सेकंड स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपका एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट आता है, करेक्ट एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है, चलिए पढ़ते हैं ना, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा,
करेक्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। देखिए, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो। अगर इसी का आंसर किसी ने सबसे पहले, तो n की वैल्यू फाइंड करना है, वो आपका पहला स्टेप होगा सेम। चलिए सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करते हैं। अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड। चलिए पहले तो n की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, और आप जानते हैं n क्यूब के फॉर्म में होता है, जो कि आपको गिवन है ना। चलिए n क्यूब के फॉर्म में कितना है, 216, तो यहां से आपकी n की वैल्यू कितनी निकलेगी, 6। n की वैल्यू निकलेगी आपकी यहां से 6, बहुत बेहतरीन। जब n की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, इसके बाद अगर किसी बच्चे ने इसका ये ऐसे सॉल्व किया, देखिए एक बार कर लेते हैं इसको, अगर किसी ने ऐसे सॉल्व किया, क्या उसने देखा टू सरफेस पेंटेड, अगर उसने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये वाला 12, हाँ टू सर, दीज आर ओनली टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला अगर उसने लगा के सॉल्व किया है, तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 12 इंटू n माइनस टू, हाँ करेक्ट। यहां से जब उसने सॉल्व किया होगा, तो उसने आंसर ये निकाला होगा, देखिए क्या आएगा, 12 आपका एज इट इज, n की वैल्यू कितनी है 6, 6 में से आपका 2 लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, जो कि आ जाएगा आपका 48, और बहुत ही प्यार भरे अंदाज से वो क्लिक कर देगा कौन सा बी, जो कि आपका हो जाएगा 100% रॉन्ग। हाँ ये आपका जो आपने कंडीशन आजमाई, ये हो जाएगी आपकी रॉन्ग, करेक्ट, ये आपकी हो जाएगी रॉन्ग, तो जो आपका बी नंबर है ना, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। असल में सही कौन सा करेक्ट आंसर होगा, हाँ वही आपको कराने जा रहे हैं। यहां पे देखिए किस वर्ड का यूज किया गया है, एटलीस्ट, हाँ मतलब कि कम से कम, हाँ कम से कम, पर इससे कम नहीं, इससे ज्यादा तो हो सकती है वैल्यू ना। चलिए इसका मीन समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एटलीस्ट मतलब हिंदी मीनिंग इसकी हो जाएगी कम से कम। अब इसको समझते हैं बिल्कुल बेहतरीन प्यार भरे अंदाज से क्या होगा इसका, करेक्ट। चलो देखते हैं ना क्या होगा, वो वाला क्वेश्चन यहां पे करते हैं सॉल्व। n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू यहां से आपके कितने फाइंड की, 6। n की वैल्यू आपके यहां से फाइंड की थी कितनी थी, 6, बहुत बढ़िया। इसके बाद एग्जामिनर आपको देखिए किस नजरिए से क्वेश्चन का आंसर पूछना चाह रहा है, हाँ तो कह रहा है तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो, हाँ रंगी हुई हो। तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखिए, दो सतह का जनरल फार्मूला क्या था आपका, था 12 इंटू n माइनस टू, जो कि आपने सॉल्व किया तो आंसर आपका क्या आया, आंसर आपका आया 48, जो कि आपका क्या था रॉन्ग, जो कि आपका था रॉन्ग, समझ लिया। चलिए जो कि आपका था ये रॉन्ग, किया तो आपने सही, अभी जिस बेस में आप करते चले आ रहे हैं क्वेश्चन उस बेस में किया तो सही, पर ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। अब सही क्या होगा, हाँ जस्ट अवेट आपको फाइंड करने जा ही रहे हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, हाँ देखिए दो सतह रंगी हुई हूं, क्या उसने बोला गया है कम से कम दो सतह रंगी
करेक्ट, रंगी हो। ये आपका स्टेटमेंट है जो कि आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, मैं नहीं, एग्जामिनर पूछ रहा है ना। अब उसके ऑथेंटिक वे को समझिए, आप कैसे पूछेगा उस बेस में आप आंसर दीजिए, तभी आपका निकलेगा करेक्ट, वरना आप अगर ऐसे करेंगे जल्दबाजी में हो जाएगा आपका रॉन्ग। चलिए हाँ, दो सतह, ठीक है। मतलब क्या, एटलीस्ट का मतलब क्या है हिंदी मीनिंग, आपने देखा कम से कम, कम से कम दो सतह हो सकती हैं, पर इससे कम नहीं, पर इससे ज्यादा होनी चाहिए, करेक्ट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। चलिए ये आपका टू है ना, टू, इससे कम नहीं पर इससे ज्यादा होनी चाहिए ना, तो आपकी क्या हो सकती है, थ्री, थ्री और फोर, करेक्ट, फाइव और सिक्स, और सिक्स, समझ पा रहे हैं ना, क्या हो जाएगा आपका सिक्स, है ना भाई। तो क्या आपसे कह रहा है, कम से कम दो सतह रंगी हो। कम से कम कहने का मतलब क्या, एटलीस्ट शब्द का हो रहा है यूज, मतलब दो से कम वैल्यू नहीं हो सकती, पर दो से ज्यादा, दो से ज्यादा आपकी सरफेस कितनी हो सकती है, एक से छह तक होती है, आपने नंबर लिखा छह तक, करेक्ट। इसके बाद देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं का फॉर्मूला आप लिखिए, तो दीज आर ओनली टू सरफेस का फॉर्मूला आपका क्या होता था, 12, 12 इंटू एन माइनस टू, करेक्ट, 12 इंटू एन माइनस टू। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर देखिए आपका क्या है, थ्री सरफेस का, जो कि आपका दैट वैल्यू होती थी 8। इसके बाद आप जानते हैं क्यूब में, अपने घन में मैक्सिमम जो आपकी सरफेस पेंटेड हो सकती है कितनी, 3, जो कि कौन से क्यूब होते थे, स्मॉलर क्यूब, हाँ, जब आप कट करते थे कॉर्नर क्यूब को, हाँ, कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होती थी आपकी 8, जब आप स्मॉलर क्यूब में कट करते थे, करेक्ट। चलिए अब आपके देखिए 4, 3 से ज्यादा, जब मैक्सिमम सरफेस तीन ही सरफेस पेंट हो सकती है, तो इससे ज्यादा फिर हो नहीं सकती, तो इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0, 0, 0। फाइनल इसको सॉल्व करने के बाद सभी की वैल्यू को ऐड करना पड़ता है, तो यहां से आप एन की वैल्यू जब आप रखेंगे, रखिए एन की वैल्यू 12 आपका एज इट इज, 12 आपका एज इट इज, एन की वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू आप निकालिए कितनी, 6, है ना, एन की वैल्यू आप निकालिए 6 माइनस 2 प्लस 8, बाकी तो आपका ये वाला पोर्शन हो गया 0, ये वाला पोर्शन आपका 0 हो गया। तो देखिए इसको यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 आपका एज इट इज, 6 में से 2 आपका लेस होगा, आपका आ जाएगा 4 प्लस 8, करेक्ट, ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 8, तो फाइनल आपका आंसर यहां से क्या आ जाएगा, 56, करेक्ट। बात समझ में आई, एटलीस्ट का कंसेप्ट समझ में आया, आंसर नंबर कौन सा आपका करेक्ट होगा, आंसर नंबर सी, जो आपका 100% करेक्ट है। अगर किसी ने इस बेस में आंसर दिया है केवल दो सरफेस का, तो आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि उसमें आपको देखना था किस नजरिए से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। बात समझ पाए ना, बहुत बेहतरीन भाई, समझे मतलब क्या, कम से कम दो सतह रंगी हो सकती है, ठीक, आपने मुझे कंडीशन दे दी, पर दो से कम तो नहीं हो सकती ना वैल्यू। अब आपने जब मेरी फिक्स कर दी कि अब दो से कम आपको भाई होना नहीं है, फिक्स कर दिया, तो दो से कम तो नहीं हो सकती, पर हम दो से ज्यादा आगे बढ़ तो सकते हैं ना, हाँ, जैसे लाइफ में भी आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, चलिए प्रोग्रेस करना है अगर आपको, चलिए हाँ, सरफेस कहां तक लिखी, 6, आप जानते हैं ना आपके जो क्यूब होता है, क्यूब में 3 से ज्यादा सरफेस आपकी पेंट हो ही नहीं सकती है, तो बाकी बचे हुए की 4 की 0 हो जाएगी, 5 की वैल्यू 0 और 6 की वैल्यू 0। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, चलिए 10 नंबर आपसे देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 10 नंबर, हाँ, एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो, कम से कम एक सतह रंगी हो। अ कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 343 स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, हाँ, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड। सबसे पहले एन की वैल्यू को आपके आंख से करना पड़ेगा फाइंड, तो एन की वैल्यू आपको जो कि पता है एन क्यूब के फॉर्म में होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है ना, चलिए
जब क्यूबिक फॉर्म में होता है तो एन क्यूब की वैल्यू आपको कितनी गिवेन है, 343, 343। तो यहां से एन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सबसे पहले एन क्यूब के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन। तो आपके एन की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी 7, हाँ, जो कि 7 का क्यूब क्या होता है, 343। क्यूब भी आपको याद करने हैं भाई, हाँ। चलिए इसके बाद अगर किसी बच्चे ने इसका आंसर ऐसे दिया है, हाँ, वन सरफेस का फॉर्मूला लगा के, ऐसे दीज आर ओनली वन सरफेस का फॉर्मूला अगर लगाया है उसने, 6 × n-2 का होल स्क्वायर अगर इस प्रक्रिया से उसने किया है, हाँ, 6 आपका एज इट इज, एन की वैल्यू क्या है 7, 7 में से 2 गया आपको बचा 5, और 5 का आपका हो जाएगा स्क्वायर कितना, 25। अगर आपने इसका आंसर ऐसे दिया 150, तो आप भैया 100% क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, ए नंबर आपका गलत है, ए नंबर आपका रॉन्ग है, हाँ। अगर आपने इस बेस में आंसर दिया है तो आपका ये फंडा हो जाएगा आपका रॉन्ग। असल में राइट क्या होगा, देखिए, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, एरिया चाहिए आपको थोड़ा ज्यादा, एटलीस्ट वन सरफेस, हाँ। तो देखिए वन से कम नहीं, वन से कम तो नहीं हो सकते, पर वन से ज्यादा तो हो सकते हैं, है ना। एटलीस्ट शब्द का यूज किया गया, 2 हो सकता है, बात समझ पा रहे हैं, 3 हो सकता है, हाँ, 3 और 4, 5 भी हो सकती है, और 6 एज इंटेड, चलिए, हाँ 6। देखते हैं भैया इसको किस, हाँ, नजरिए से इसको सॉल्व किया जाए। देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सभी का फॉर्मूला, वन सरफेस का फॉर्मूला आपका क्या होता था, 6, हाँ 6, 6 × n-2 का होल स्क्वायर, बहुत बेहतरीन। इन सभी की वैल्यू को करना पड़ेगा आपको ऐड, टू सरफेस फॉर्मूला होता था आपका 12 × n-2, करेक्ट। इसके बाद 3 कॉर्नर वाले आपके कितने होते थे आपको पता है, फिक्स वैल्यू उसकी होती थी, हाँ 8। इसके बाद आपके क्यूब की कंडीशन में, क्यूब घन के कंडीशन में आपके 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो ही नहीं सकती, तो बाकी की आप वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 + 0 + 0, इट मीन्स 0। चलिए आगे इसको करते हैं सॉल्व, एन की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की, जो कि आपका करेक्ट है 7, है ना 7, तो रखते हैं ना एन की वैल्यू 7, 6, हाँ 7 − 2, हाँ 7 में से जब आपका 2 चला जाएगा आपका बचेगा 5, 5 का करेंगे आप स्क्वायर, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 12 आपका हो जाएगा एज इट इज, 7 में से 2 गया आपका बचेगा 5 + 8, बाकी इसकी वैल्यू तो आपकी 0 ही हो गई ना, बाकी की बची हुई की वैल्यू आपकी 0 ही हो गई, बहुत बेहतरीन। इसके बाद देखिए यहां से आप फाइंड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 6 आपका एज इट इज, हाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, हाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 प्लस, हाँ 12 × 5 = 60 + 8, करेक्ट। अब इसको और आप फाइनल सॉल्व कीजिए यहां से, हाँ ये आपका हो जाएगा कितना, 150 + 60 + 8, यहां से आपकी फाइनल वैल्यू क्या निकलेगी, हाँ ये आपका आ जाएगा 8, 1 और ये हो जाएगा आपका 218, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 100% राइट है, हाँ 100% राइट है। इस बेस में आपको आंसर नहीं देना है क्योंकि एटलीस्ट शब्द का यूज किया गया है, कम से कम, करेक्ट, जिसका मतलब होता है कि आपने वैल्यू मेरी फिक्स कर दी कि मैं 2 वैल्यू हूं, है मेरा मान 2 है, पर इससे कम तो नहीं हो सकता ना, पर इससे ज्यादा तो आप प्रोग्रेस, तो अब मेरे ऊपर आया ना, हाँ तो अब हम प्रोग्रेस करेंगे अपने खुद के दम पे, हाँ तो वैल्यू अपनी खुद बढ़ाएंगे हम। चलिए समझ में आया फंडा, बहुत बेहतरीन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 218, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 218। 10 नंबर तक आपने कर लिया बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व, हाँ। इसके बाद एक कंसेप्ट और आपको बताएंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वो होता है आपका क्या, होता है आपका एटमोस्ट का, है ना। तो आप बताएंगे एटमोस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है,
ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए उसको कराते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी बैकअप प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिएगा, हाँ, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है आपका जितना कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करने का, है ना। जितना पढ़ा उसको रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहिए, बाकी ऑनलाइन में आपको ऐसे ही रेशियो चलता रहेगा, और आने वाले समय में आपको हर एक क्लास मिलेगी इंडिविजुअल ऑनलाइन में, करेक्ट। हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हाँ, सभी पोर्शन जो आपका है ना कम्पिटिटिव एग्जाम को बिल्कुल हाई करके पढ़ाया जाएगा, और सारे विधिवत तरीके से हर एक सिलेबस आपका बिल्कुल विधिवत तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, करेक्ट। इसके बाद जो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड करने में इंटरेस्टेड हो, वो अपनी कोचिंग चलती है कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास, अपनी संस्थान का नाम है एडी स्मार्ट क्लासेस। तो जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास आप आइए, एडी स्मार्ट कोचिंग आपकी है, हाँ। इसमें से आपको इंडिविजुअल बैच भी चलते हैं और कंपाइल बैच भी चलते हैं एक साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार अगर नियर यहाँ पे रहते हो आसपास, तो आके यहाँ पे ऑफलाइन बैच का भी लाभ उठा सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट लिया जाता है, करेक्ट। चलिए, बाकी ऑनलाइन में तो आपके सारे क्लासेस फ्री कराई जाएंगी और हर एक सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बैकअप प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिएगा, करेक्ट। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।